अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। और मैं हूं सुनीता। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ एक मोमेंट लीजिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ उन दुपट्टों को दोबारा यूज़ में करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिन्हें अब आप नहीं ओढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े, उनका प्रिंट, उनका फैब्रिक या एम्ब्रॉयडरी जो भी है वो बिल्कुल अच्छा है, तो आप उन्हें और किस किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो हो सकता है, ये एक प्रिंटेड दुपट्टे से आप इस तरह का प्लाज़ो बना सकते हैं। आप दुपट्टा है तो इसमें आप अगर गर्मी के हिसाब से कंफर्टेबल चाहते हैं तो इसमें आप लाइनिंग जो है वो कॉटन की लगाइए, अदरवाइज आप इसमें सिंथेटिक या सिल्क की लाइनिंग भी लगा सकते हैं तो उससे एक शाइन भी आएगी और स्टिफनेस आ जाएगी और इस तरह से ये बहुत फ्लोई रहेगा। 2 मीटर के दुपट्टे में एक नॉर्मल 5 फीट 5'2" तक के बंदे के लिए ये आराम से घेर वाला प्लाजो ये आपका बन जाएगा। और ये पहनने के बाद ये आपका कुर्ती पे भी चलेगा। ये देखिए, इस तरह के पैटर्न में सिलवाएं तो आप इसे क्रॉप टॉप वगैरह पे भी आराम से पहन सकते हैं। तो ये था फर्स्ट। इसे आप अपने शिफॉन के दुपट्टों के साथ भी बनवा सकते हैं क्योंकि लाइनिंग लग गई है तो ये मज़बूत हो जाएगा, और जॉर्जेट के दुपट्टों के साथ तो ये बहुत अच्छे से बनी जाएगा। एक दूसरा तरीके के दुपट्टे होते हैं, कई बार सूटों में कॉटन के दुपट्टे होते हैं और वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो उन दुपट्टों का मेरे पास इस तरीके का एक सूट था, तो सूट तो वो ख़राब हो गया, उसका एक रेड कलर का ये दुपट्टा था। उस समय मेरी बेटियाँ छोटी थी तो एक ही दुपट्टे में उसकी विड्थ काफ़ी चौड़ी थी, तो ये मैंने इस तरीके की एक ड्रेस सिलवाई थी, रेड कलर का दुपट्टा था और कॉटन का था, तो मैंने इसमें लाइनिंग वगैरह भी कुछ नहीं लगवाई। और एक्चुअली इस पैटर्न की एक रेडीमेड फ्रॉक उनके पास थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसी पैटर्न की मैंने ये उस दुपट्टे से उनकी दोनों की फ्रॉकें सिलवा दी थी और उन्होंने अच्छे से पहनी और गर्मी में काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। तीसरा जो तरीका हो सकता है, जो हमारे प्लेन नाजनीन दुपट्टे या फिर अच्छी वाली जॉर्जेट के दुपट्टे होते हैं, अगर इस तरीके का कोई पड़ा है तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्लेन कुर्ती स्लीवलेस इस तरीके की या फिर प्रिंटेड कुर्ती इस तरीके की है, तो उसमें आप दुपट्टे की इस तरीके की स्लीव्स लगवा सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्लीव्स हैं ये मुड्ढे पे से ना लग के थोड़ी सी देखिए बीच में से लगी हैं। ये यहाँ पर इसका आर्म होल है और ये यहाँ से शुरू हुई हैं। तो इस तरह के पैटर्न से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक तो डिज़ाइनर लुक तो आपकी कुर्ती में ऐड हो ही जाएगा, दूसरा आप इसमें पतली लगेंगी, जो आपका बॉडी फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली स्लिम फिट वाला आ जाएगा और ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुपट्टे को एक ये शेप दे के काटना है 2 पीसेस में और उसको अपनी कुर्ती में यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये कुर्ती रेडीमेड है, लेकिन इस तरीके का पैटर्न आप आराम से दुपट्टे से बना सकते हैं और मैं इन फ्यूचर इसे बनाऊंगी भी। अगर आप इसका मेथड सीखना चाहें तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की। इसके अलावा 2 ऐसे तरीके हैं जो दुपट्टे बिल्कुल डेलिकेट से हैं या उनके कलर बहुत अच्छे हैं। कई बार मैं अपने वो दुपट्टे अपनी बेटी को दे देती हूँ तो वो उनकी साड़ियों बना के खेल लेती है, और कम से कम 5-6 दुपट्टे उन्हें मैंने दिए हुए हैं इस तरीके से। दुपट्टों का वो बहुत बढ़िया यूज़ कर लेती हैं अपनी साड़ी बना के, अपनी चुन्नी बना के, जिस तरह से भी वो चाहती हैं। और इसके अलावा जो बिल्कुल कॉटन का दुपट्टा आपका बिल्कुल साफ़ है, उसको आप 2 पीसेस में काटिए। पनीर बनाने के लिए किचन में उसका ज़रूरत होती है कॉटन वाले मलमल के दुपट्टे की, तो उसमें मैंने एक वाइट दुपट्टा मेरा था वो नहीं ओढ़ा जा रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से वॉश करके वो पनीर बनाने के लिए उसमें से आराम से 2 कपड़े बन गए। तो आप उस तरीके से किचन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका दुपट्टा साफ़ सुथरा है और मज़बूत है अभी भी, लेकिन आप नहीं ओढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो कॉटन के दुपट्टे आते हैं, जो कॉटन के सूट के साथ कॉटन के दुपट्टे आते हैं, उनको आप एज अ
जो धूप से बचने के लिए लड़कियां अलग से स्टॉल खरीदती हैं, आप उनका यूज़ करिए, बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल ये कुछ तरीके थे दुपट्टे को रीयूज़ करने के। अगर आपको थोड़े भी पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।